नमस्कार प्रणाम गोड़ लागतानी भोजपुरिया जहान हम रवि किशन शुक्ल स्वागत करतानी सुर के सबसे बड़ संग्राम में जेकर नाम बाटे सुर संग्राम तृतीय टॉप थ्री के रेस शुरू हो गल बा भैया। शानदार परफॉर्मेंस के साथ अद्भुत आगाज खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आप जा सके नहीं अपने सिंहासन के विराजमान हो जाए भैया। जय हो मोहन राठौड़ के। स्वागत कैल जाओ परिवार ऑडियंस के तीनों सेना के हौसला जे बढ़ा रहल बाटे एगो जोरदार ताली। न्यायमंडल ग्रैंड फिनाले में बहुत कम दिन बचल बाटे। ये जोन सिचुएशन बा सात लोग सात रतन पूरे हिंदुस्तान के भोजपुरी आवाम के नजर इन लोगन पे बाटे। का कहे चाहबू इस सिचुएशन में जहां ट्रॉफी एजा आ गई बा कार का अनाउंसमेंट हो गई बा और सारा आज इनाम का अनाउंसमेंट हुई इस सिचुएशन ही पोजीशन पे आप लोगन के हम कुछ राय जानना चाहब। मान लीजिए रवि जी सात ठो योद्धा यहाँ जुटल बानी सात के अंक बहुत शुभ होला। अब हमके तो बुझाइला कि धीरे 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 तस्वीर स्पष्ट होता इ लोका था कि के आगे जाई अ के पीछे छूट जाई। काहे से कि तीन महीना हो गए आ हम लोगन के बहुत बढ़िया से मालूम बाटे इन लोगन के ताकत और इन लोगन के कमजोरी। अब बस यही एको सीख हम देव आज यदि एलिमिनेशन हो जाए तो कोनो चिंता की बात नहीं खे। काहे से कि चुनौती से भयभीत ना होके चाहिए। हर चुनौती या तो संघर्ष में विजयी बनावे या फिर एगो सीख दे के चले। धन्यवाद कल्पना जी का कहे चाहिए। अब सिर्फ परफॉर्म करना है। अब सब कुछ भूल जाना चाहिए क्या था क्या नहीं था। अब बस हंस हंस के उसको गाना है परफॉर्म करना इजी होना है तो उस बात को याद रखिए सब भूल जाइए रिलैक्स। धन्यवाद कल्पना जी धन्यवाद मालिनी जी। सात गो रतन में से आज की हुई एक विदाई हो जाए। 15 संघर्षमयी सप्ताह बीत चुकल बाटे। उल्टी गिनती शुरू हो गई बाटे। चल रहल बा फाइनलिस्ट टीम के खोज। हर रोज एक एलिमिनेशन। बचल बाटे सुर के टॉप सात योद्धा और घमासान उफान पर बाटे। आज हुई टॉप छह के खोज। अब तक सब योद्धा अपन रास्ता के काटा के भी पहचान लेल बाड़न। फोर व्हीलर गाड़ी कर वादा कह दे लेबा जे विजेता रही ओकरा के भेटाई फोर व्हीलर कार। फेथ इनकॉर्पोरेट लिमिटेड कंपनी बाटे कट्टा तनल दुपट्टा पे जे प्रोड्यूसर बाड़न राहुल कपूर जी जे फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप रही ओकरा के अपनी कंपनी में गायकी और एगो मोटरसाइकिल दी है तो उनके तरफ से दूगो इनाम ई घोषित बा। और वाला एल्बम किताब के मालूम बा हमरे सिनेमा में तीन सिनेमा जेकरा में हम काम करत है ओकरा में गायकी के भी मौका मिली के तरफ से एगो कार। हमारा अभिनी तीन गो सिनेमा में प्लेबैक के मौका। फेथ इनकॉर्पोरेट एगो मोटरसाइकिल और उनके सिनेमा में एगो गायकी का मौका। न्यायमंडल कंपटीशन के साथ साथ दिल के रफ्तार भी तेज हो गई बाटे। पिछला एपिसोड में बिहार सेना के अलका सिंह पहाड़िया के सपना ही मंजिल के दहलीज पर आखिरी रहे और उन्हें दम तोड़ देले से पूरा भोजपुरिया जहान के आंख टिकल बाटे। बाबू टीवी के सामने डटल बाटे का हुई अपने राज्य का अनुमान। सब लोग लगावत अड़न भोजपुरिया जहां चल रहल बा टॉप तीन के खोज। ई दौर के और भी रोमांचक बनाए खातिर मंच पर दस्तक दे रहल बाड़न एगो विशेष मेहमान खास बिहार से आयल बाड़न एगो ऐसा हो। अरे वाह अद्भुत हो गई बड़ा मजा आ गई भैया धन्यवाद आपके। न्यायमंडल आज के घमासान शुरू करे से पहले इजाजत चाह। जय हो आप लोगों का। तो आज के युद्ध के आरंभ कौन से सेना के कौन से योद्धा करी मोहन बाबू। सबसे पहले भैया एक स्वर में हम सबके प्रणाम करतानी शुरुआत करे जातनी अभियुक्ति वाला भाव में और बोलावतानी अपना ओबरा के कोबरा दीपक भाई के। बस ये कहब कि रहल कितनो मोटाई लेकिन बांस ना होई। जय हो ओबरा के कोबरा का।
जवान बा जवान बाहरे ओबरा के कोबरा बिहार का सरदार उठ के आ गईलन ओबरा के कोबरा से भेटाए जय हो बात भैया ये गाना ऐसा बा ना कि पहला नंबर ती गाना कबो अकेला ना हो सकेला ये बहुत बड़ी बात है कि कोरस में 8-10 लोग गाते हैं लेकिन भाई ने अकेले ऐसा गाया कि लगा ही नहीं कि कोरस नहीं है ओकरा से तू अच्छा से निभावला भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको बा धन्यवाद धन्यवाद बिहार के सरदार के खिंचा के जब मंच पे लिए ना सोनभद्र के ईश्वर के कोबरा दीपक ई बाटे शक्ति ममता काका हम जितने जन्म ले ले हैं तुम्हारे जैसा नहीं गा पाएंगे बहुत अच्छा गाते हो बहुत अच्छा गाते हो बहुत 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 अच्छा गाते हो अच्छा गवला हो तू लेकिन एमा तन की ओरी तू ना डूब सकत रहला ठीक है भाई बहुत अच्छा तोहरे सुर में बात बात कहूँ ना जरूर मालिक के नजर अरे जरूर जौने रस के डूब के झूमत रहे छाइल सुरूर आ एही तरह गई बात बिहार और झारखंड खातिर चिंता की बात जरूर बाटे फिकर की बात भी जरूर बाटे एही तरह गई है जिया जिया मारकुंडी के से उ सुराज सुनाइल जवने के देख करके हम लोग सोचनी जो गिर गई धड़ाम से क्या ही दा दा रे ई का भेल लेकिन अब लगत है कि कुल जौन जीभ छिलाई रहे और जौन कपारे में पीड़ा इड़ा रहे कुल मुक्ति भइल अभी कि नहीं दीदी भी ट्रीटमेंट चलत अभी त ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट कुल छोड़ दा काहे से कि अब ज्यादा लेबना तो फिर पिछली रास्ता वापस चला जब राही छोड़ दा काहे से कि जौन सुर तू पकड़ ले होगा यही कॉन्फिडेंस से यही मिजाज से बस गावा चला बाकी जौन होई तो होबे करी लेकिन बढ़िया गौला बहुत बढ़िया मैं वहां आना चाहती हूँ कृपया स्वागत बा जय हो जय हो ओबरा के कोबरा कहा जाता है आपको कोबरा नाग माँ मनसा की शक्ति प्राप्त हो आपको आखिरी एपिसोड तक इसी रंग में इसी ऊर्जा के साथ माँ मनसा हमेशा रहेगा जय हो बहुत बढ़िया बाबू केकरा से नंबर लेवे चाहबा मालिक जी से कोनो पूछे के बात बा कल्पना जी का नंबर छिपल बाटे लेकिन कल्पना जी जो हिसाब से आके गईनी तो आप लोग अंदाजा लगा दे कि लड़का आज कौन तीर मार दे लिस का अद्भुत आगाज के लिए बहुत अच्छा बाबू जाए से पहले आजा देखा साथी लोग का सोचलन तोरे बारे में हमारा रास्ता के सबसे बड़ काटा उत्तर प्रदेश के कोबरा के जो कोबरा कहला दीपक बाड़े और दीपक के ई खासियत बा कि सूफी आवाज बा सूफी सॉन्ग गावे ले और हमार दोस्त भी हमें बहुत बढ़िया हमार दोस्त हमें उनका के हम माने नहीं वो हमारा के माने नहीं लेकिन दोस्ती एक जगह बा लेकिन स्टेज पे वो हमारे सबसे बड़े कॉम्पिटेटर बने और उनका में दो चार को कमी बा जो माटी वोटी के चीज़ बा देसी चीज़ बा वो नहीं खे
और उकरे हम फायदा उठाई और उनका के परास्त करब अपन के आपके बहुत बढ़ दे। वाह, आपके काटा के सामने सामने समक्ष खेला हो गई बा और ये बहुत जरूरी हो और यह तरह होके के चाहिए कहे कि अंत में तो ये गो कंपटीशन बाटे। जय हो, जा बेटा। चल रहा बा उल्टा गिनती हो रहा बाटे, टॉप तीन योद्धा के खोज हो चुकल बा आगाज। अभी बाकी बड़ा छह गो और दमदार और बेखौफ परफॉर्मेंस उन लोगन का। सब झोकियन अपन पूरा ताकत, टॉप छह में कौन सेना मैदान में डटी और कौन सेना के योद्धा के पत्ता हमेशा खातिर कटी। ई दिन आई ऐतिहासिक फैसला, कोनो एक राज्य के एक योद्धा के माथे लगी विजय तिलक कहाँ हुई? ईमेल करे के बाद ईमेल का पट्टी चला था कहाँ चाहत अड़ा, गांधी मैदान के रांची की बनारस घाट पर आप लोगों के ऊपर, ठीक बा? ममता केकरा के भेज बू झारखंड से, नन्ही सी प्यारी सी हमारी शालिनी देवी। आलोक बाबू का कहबा, शुरू से लेके अब तक के सबसे तोहर खराब परफॉर्मेंस। मोहन बाबू, अच्छा कबलू हो तू, ऐसा बात नहीं की, ओकरा से और अच्छा हो सकत रहे, ठीक ना? शालिनी बाबू, इतना जल्दी दिल छोटा नहीं करना है, अभी बहुत आगे जाना है, समझी? ठीक है, कहीं कहीं सुर नहीं लगे, कोई बात नहीं, पर गाने का जो एटीट्यूड था उसे तो तुमने निभाया ना, है ना? तो इसलिए घबराना नहीं है, अभी बहुत आगे जाना है, ठीक है? बिहार के प्रोत्साहन देवे खातिर छैला भैया आयल बड़न, उनसे जानल जाओ। हम तो शालिनी के एक्सप्रेशन पे इस तरह से मंत्रमुग्ध हो गए कि हमको पता ही नहीं चल रहा कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक्सप्रेशन भी तो देखिए कितना मजा से लेके गा रही थी वो। वाह, ये बड़न छैला बिहारी भैया। कल्पना जी,
ममता से मैं सहमत नहीं हूँ, एटीट्यूड थोड़ा सा रॉन्ग पकड़ा आपने। आपने बहुत अच्छा गाया लेकिन एटीट्यूड थोड़ा सा अलग। ये डांस वाला डांस नहीं है, ये लचक है लेकिन नृत्य डांस नहीं है। इस पे वो जो एक शर्म है, एक जो श्रृंगार है, वो वाली जो बात है, एक पत्नी नुमा जो भाव है, वो एटीट्यूड थोड़ा सा रॉन्ग था। एक बात मैं आप लोगों को सबको बताना चाहती हूँ, यहाँ से आगे जाकर आप चाहे खांटी गाने में अपना नाम बनाएं, चाहे फिल्म लाइन में नाम बनाएं, चाहे सिर्फ यश कमाएं, तीनों ही विधाओं में, तीनों ही लाइन में नाम तभी मिलेगा, काम तभी मिलेगा जब गाने में पंच होगा। आज पहली बार मैंने देखा कि आपने सचेत होकर के जहाँ पे आपका सुर उखड़ा था वहीं पर आपने पकड़ लिया, लेकिन अब ये देखने की बात है कि क्या उतना मौका रहा संभलने का। बाकी सुरीली हो, इतने भोलेपन के साथ आकर के गा जाती हो, मासूमियत मुझे बहुत प्यारी लगती है। किकरा से नंबर ले जाएं? कल्पना जी से। कल्पना जी 18 बहुत बढ़िया। 18 सालनी के भेटाइल देखा का कहा ताड़न तोरा साथीदार रास्ते के कांटा उ हाइन साली दुबे वो अच्छा गावे नी, लेकिन उनकरा में भी 2-3 हफ्ता से हमरा के ऐसा बुझाए ल कि उनकरा जब शुरू जब लगावे नी तो उनका जो एंडिंग नोट होला वो हमेशा बेसुरा रह जाला। हम हमरा के ऐसा लगता, और साथ में कभी कभी ऐसा होला कि माइक के दूर से गावे से या उनकर वॉइस कभी कभी हमरा के ठीक से स्पष्ट नहीं सुना पावे ला, ये सब उनकरा में कमी हो। और उ भी खांटी, और उनका भी दूसरा कमी है कि वो खांटी टाइप ना गावे नहीं, वो शास्त्रीयता की ज़्यादा ही अपनावे नहीं, और उनके चैलेंज दे सकी जो उनके अगर उनका में कमी है ओके हम अब पूरा अपने में निभा अपने के पूरा करके और उनसे आगे निकल सके। चलिए का जवाब देबू? जे बात तो कह लिया सही बात, कुछ कुछ नोट मतलब एंडिंग नोट हमारा ना लगता, लेकिन कह लिया कि हम शास्त्रीयता पे ज़्यादा ध्यान देवे नहीं, तो ये बात तो उनको पे लागू होवेला कि वह शास्त्रीयता पे हमरा से ज़्यादा ध्यान देवे ली, तो देखल जा आगे आगे क्या हुई। भोजपुरियत के बारे में कहने की भोजपुरी में थोड़ा कमी बेसी बा, खांटीपन नहीं खे का कर? हमरा में तो तनी मनी बा, उनका में तो बिल्कुल ही नहीं खे। जय हो जय हो बिहार के सरदार आलोक, केकरा के भेजबा भैया? आपके हम भेज हलवानी मधुबनी जिला से सौम्या मिश्रा के। मधुबनी बिहार की नातिन सौम्या मिश्रा स्वागत। मोरे साजन
सौम्या मिश्रा 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 छैला भैया का बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि सबको अच्छा लगा होगा। जय हो आपको, धन्यवाद आलोक। बढ़िया गेलू है, आज कुछ अलग देखे के मिलल, तोहरा अलग गायकी के कुछ अलग अंदाज मिलल और बाकी माली दीदी कल्पना दीदी बारे हमरा अच्छा लगा। मुखड़ा बहुत अच्छा गाई तुम, मुखड़ा बहुत अच्छा था, मतलब उसमें भाव सुर ताल लय सब तुम एकदम निचोड़ के डाली, पर अंतरा रटा रटाया लग रहा था। फिर तुम वापस मुखड़े में आई, फिर वापस में वही रंग देखने को मिला, तो पूरा गाना अच्छे से गाओ और आगे बढ़ो। बढ़िया बटे सौम्या, फोक गाना बटे कि तू बढ़िया से गौलू अपना मिजाज में, जे तेरे तोहार मिजाज बा बहुत अच्छा लगल। धन्यवाद मालिनी जी। सौम्या बहुत अच्छा सुन चुके हैं तुम्हें, तो मेरे लिए आज औसत, तुम्हारा बहुत 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 आगे भविष्य देखती हूँ। बहुत पहले एपिसोड में हमने कह दिया था कि तुम शायद फिल्म इंडस्ट्री में कल को एक नई वॉइस क्वालिटी के साथ गाने गाओ, तो तुम्हारे लिए अब इतने एपिसोड्स हो चुके हैं, थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन पे अब काम करो। पूरा गाना मुझे बहुत मज़ा आया, सिर्फ परदेसी सजना से शिकायत है, हर बार जो आप बोले ना 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 डर ना 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 परदेसी मोर सजना, ये वाली जो सजना को प्यार करके वो जो इतरा के बोलना, उधर मुझे लगा कि थोड़ा डल है एक्सप्रेशन, सो उस पे ध्यान दो और उसको पी जाओ एकदम। धन्यवाद। किन से न बोले? कल्पना मैम। कल्पना जी 18। 18 बहुत बढ़िया, अद्भुत। चला देखा साथी का कहताड़न आपके बारे में। हमारा रास्ता के काटाबाड़ी बिहार के सौम्या मिश्रा, उनका के हमेशा से जज लोगन से अच्छा कमेंट मिले ले, लेकिन उनका में एगो मतलब कमजोरी भी बा उनका के, कि वो हमेशा एक ही जॉनर के गाना गावे, तो ये हमरा लगे प्लस पॉइंट बा कि अगर हम खाटी चीज और वेस्टर्न कुछ सुनाई तो हम उनका से आगे जा सकेले, कोशिश बा कि हम उनका से आगे जाएं। हमरे रास्ते का कांटा भैया बिहार से सौम्या मिश्रा बाणी, वो बहुत सुंदर गावेली, लेकिन उनकर एक कमी भी बा कि वो खाली शास्त्रीय संगीत गावेली और उनकर भोजपुरी में बढ़िया पकड़ ना बाटे, फोक के जानकारी ना बाटे, खाटीपन ना बाटे, उनके यही कमी के हम पकड़ के मेहनत करब ताकि सौम्या मिश्रा के पिछाड़ के हम अपने आपके और अपने यूपी के नाम रोशन कर। हमार रास्ता के काटा बाड़ी सौम्या मिश्रा, जैसन कि आप लोग देखा दावत बानी कि उनकरा के बस केवल एक ही गो विधा बढ़िया से आवेला, क्लासिकल के विधा, और ये हम कोशिश करब कि हम हर तरह के गीत रखी, अपन जज लोगन के साथ साथ अपने देखे वाला जितना भी श्रोता गढ़वाले उनके दिल जीती और आगे बढ़ी। वाह, तीन तीन दुश्मन सौम्या मिश्रा के, एक ना तीन दुश्मन एक साथ, पहला ये मंच पे देखने की तीन गो लोग के नजर में बाड़ू, बहुत बढ़िया, मुबारक हो, यही के अपन ब्रह्मास्त्र बना ला, जा गुड़िया मस्त रहा, मान लीजिए का नंबर छुपलवा, हर कदम हर परफॉर्मेंस आहट बाटे ग्रैंड फिनाले के, कुछ समय के दूरी से सुनाई दे रहल बा अंतिम बिगुल, दिखाई दे रहल बाटे तीन योद्धा के तस्वीर, मगर तीनों के तस्वीर धुंधली, जौन भी चेहरा हुई इस साथ में से केहू एक का हुई, केहू एक विजेता बनी, कौनो एक राज्य जीती, बिहार उत्तर प्रदेश झारखंड हो चुकल बाटे तीन गो परफॉर्मेंस, चार गो योद्धा कर रल बाड़न अपन सपना के पारी के इंतजार, कौन टॉप छे आवाज के होई जय जयकार, एक बार फिर दुनिया कायल हो जाई केकर, आज कौन एक योद्धा हो जाई घायल यानी विदाई, आज जौन भी प्रतिभागी के परफॉर्मेंस न्याय मंडल के लगी सबसे ज्यादा बेहतरीन योद्धा बन जी हैं परफॉर्मर ऑफ द डे, और योद्धा के मिली एक विशेष उपहार, तीन योद्धा के खोज के टिकी और के फसली और जहान के बना पाई स्थान, दुआ के दौर पूरा बिहार और झारखंड में जारी बाटे, उत्तर प्रदेश का भी माहौल यह बाटे, बहुत टेंशन फैल गई बाहू, तब माहौल के तनी हल्का बनावल जाओ और बुलावल जाओ केकरा के, हाँ भैया उन्हीं के भानुमति के पिटारा के साथ भुटाली मैं।
पूरा आके हमरे गोड़े पे पूरा दंड बैठक कह लेला। ये लड़का एकदम अद्भुत बाहो। ओहो जवान, ओह माय गॉड, ये देखा का कहे चाहता था। आज भैया हमारा कपार को भूटा हुआ फट गया, हम कोई से प्यार नहीं करते। भुटाली मैन उड़ के चल गई नन, उड़ के आवलन, उड़ के चल जाना, बहुत प्रेम करी ना, हम इनके अपने सिनेमा में जरूर रखब। चलल जाई यूपी के सरदार मोहन बाबू के करा के भेजब। बस वही माटी के लाल खाटी गवैया हमनी के आजमगढ़ के भोजपुरिया वीर वीरेंद्र भारती जी। भोजपुरी संगीत के विधा खाटी भोजपुरी हमरे माई का बोली, विधा के सरदार शेर अवतारण वीरेंद्र भारती। वाड़न माटी के लाल
इनकर भाव रहे अद्भुत। छेला भैया का कह, हम तो खो गए नहीं एकदम, कि ऐसा लागत रहे जैसे हम शादी ब्याह के माहौल बा। बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत निमन, बहुत बढ़िया। काहे आलोक बाबू, काहे आंख में आंसू रहे आपके और काहे रोत रहे? का कहीं अब वृंदर भाई की जौन आवाज रहे भैया, जौन ही दिल से गावे लम, कहीं न कहीं माता रानी से जुड़ल बाप। और हम तो अब का कहीं, अब कहीं कोनो शब्द नहीं, कि हम पहले भी हम बोल देने वाले कि तू भोजपुरी लोक संगीत के बादशाह बड़ा भाई। हम चाहब दुआ करब कि सुर संग्राम के मन से तू पूरे यूपी बिहार ना, पूरे हिंदुस्तान ना, हम चाहब कि तू पूरे दुनिया में नाम करब। वाह, बड़ दुआ। धन्यवाद भैया। कल्पना दी एक दिन कही थी कि खुद रो कर मत दिखाओ के हम रो रहे हैं गाने के बीच में, अपने भावों से दर्शाओ, और वो बात हमको आप में नजर आता है हर बार। भले मैं झारखंड की कोच हूँ, पर मेरा दिल बार बार कहता है कि आप जैसे कलाकार की जीत होनी चाहिए। का तोहरा बारे में हम बोली, बस माई तोहरा पे साक्षात सहाय बाड़ी, हम चाहब कि तू यही तेरे बस खाली, प्यार से एकदम गावत रह अपना भोजपुरी खातिर। कल्पना जी, हर बार बोलना जरूरी नहीं समझते निशब्द। धन्यवाद माई जी। ये गीत गाकर, ये गीत सुनकर कोई भी ऐसा नहीं है संसार में जिसे अपनी विदाई, अपनी बहन की विदाई, अपनी पड़ोस की विदाई, अपनी सहेली की विदाई न याद आ जाए। और ये कैसी कालजयी रचनाएं हैं जिनकी धुनें यथावत चली आ रही हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं। मैं चाहती हूँ, हमारे यहाँ ब्याह गाया जाता है, और जब हमारे यहाँ ब्याह गाते हैं सारी स्त्रियां जुड़ती चली जाती हैं, कोई एक पुरखिन शुरू करती है, दो पुरखिन, दस पुरखिन, सारी साथ साथ गाती हैं, और ये गाने सबको याद है कमोबेश। मुंह से गाती जाती हैं और आंचल से आंख पोंछती जाती हैं। हटी आई से नोरा महागा भयो बाबूल, चुनरी भाई अनमोल रे, इसे नोरा के कारण बाबा छोड़ो मैं देश तुम्हारी रे, छोड़ो मैं देश तुम्हारी रे, छोड़ो मैं देश तुम्हारी रे। धन्यवाद मालनी जी, धन्यवाद। केकरा से नंबर लेवे चाहबा? कल्पना दीदी। कल्पना जी, 20 से ज्यादा नहीं दे सकती। बहुत बढ़िया, 20 से ढेर ना दे सकनी, ई प्रस्तुति रहे। वाह भैया वाह, जय हो जय हो जय। आवा देखल जाए इनके रास्ता के काटा के बाटे। हमरे रास्ता के काटा बाड़े वीरेंद्र भैया, पिछले बार से हम देखा आ रहल बानी कि बहुत अच्छा गावत आ रहल बाड़े, बहुत अच्छा लगता, जज लोग भी बहुत अच्छा कमेंट उनके दे रहल बाड़े, और उनके से थोड़ा डर बा। हमारा रास्ता के सबसे बड़ रिकॉर्ड दे हम क्योंकि मान रहल बानी तो आजमगढ़ जिला के यूपी प्रदेश से वीरेंद्र भारती बाने, हालांकि हमने के संबंध बड़ा अच्छा बाटे, लेकिन मंच पे कौनो संबंध ना, वहाँ एगो कम्पिटिटर के भावना होनी चाहिए, वो हमने में बा, लेकिन एक साथ साथ उनका माइनस पॉइंट भी बा। जो ट्रेडिशनल सॉन्ग बाटे जैसे कुछ आस तरह के गीत बाटे, कुछ फास्ट गीत बा, तो उनके तरह गिर जाता नहीं, और उनका माइनस पॉइंट क्या अपना प्लस पॉइंट बना के हम वार करब और अपना प्रदेश के मान सम्मान किया। उत्तर प्रदेश में भी भिड़ंत, जय हो। देखला बाबू, बगले में बाड़न पूरा कंपटीशन चलाता, इनके गायकी से, इनकी प्रस्तुति से उत्तर प्रदेश में भी हलचल मचल बा। वाह, वीरेंद्र भारती एकरा के कहल जाला खेला, और यह होके के चाही भैया, बस चपले रहा चपले रहा। जय हो। तो चुकलबा चार को परफॉर्मेंस पूरा चल रहा बाटे, कांटे की टक्कर, सब शेर नियन दहाड़ लगा रहल बाड़न, सब अपन प्रदेश के भोजपुरिया संगीत के सिरमौर बनाए खातिर आत्मा की शक्ति झोंक रहल बाड़न। आई चला जाओ झारखंड के सेना के सरदार के पास, ममता केकरा के भेजबू। बहुत प्यारी सी और गुड़िया जैसी लगती है हमको चंदन की वाली। झूली
बहुत बढ़िया। ममता का कहा सब कुछ शिव 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 लग रहा था और कुछ नहीं, रोंगटे खड़े हो गए थे। जब जब एक एक बार एकदम जो भी गा रही थी हमको बस दिल तक एकदम पहुंचा। बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद ममता जी। छैला भैया का कहब चंदन जी के, बहुत अच्छा। और हम तो आए थे बिहारियों का हौसला अफजाई करने, मैंने सोचा था कि ये ट्रॉफी बिहार ही जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अब झारखंड भी जाएगा तो मुझे बेहद खुशी होगी। वाह क्या बात है, वाह छैला भैया वाह, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। आलोक बाबू का कहा चंदन जी, जो ना पिछला दो तीन एपिसोड से तोरा के खराब कमेंट्स मिल रहे सबसे, तू आज ये गाना गा के पूरा कर देगी। अच्छा बढ़िया लगा, अच्छा लागल हा। ई भिखारी ठाकुर जी के धुन बाटे, उनकरे बनावल हमनी के दीदी शायद गौले बाड़ी कल्पना दीदी, और बहुत अच्छा तू गौलू यही तेरे मिजाज में गाओ बाबू, ठीक ना जी। मान लीजिए चंदन, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी तुम्हारे बारे में कि तुम फाइटर हो। क्या बात है, क्या कमबैक किया तुमने। और तुम्हारे लिए तो आज सिर्फ वो शेर अर्ज करना चाहूंगी कि मंजिले क्या है, रास्ता क्या है, हौसले जो हो तो फिर फासला क्या है। क्या बात है, इतना अच्छा गाई हो, इतना बढ़िया गाई हो, यहाँ तक रुआ रुआ से हर गया। दिल से आशीर्वाद, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा। और सिर्फ मैंने थोड़ा सा मैं ठेके को जो बिहार की जो एक भिखारी ठाकुर परंपरा की जो ठेका होता है हल्का सा थोड़ा उसको मिस किया, और थोड़ा सा भोजपुरियत को मैंने मिस किया, थोड़ा और जो बोलना जिस तरीके से बोलना है एक एक शब्द को उसको थोड़ा सा मैंने मिस किया, फिर भी बहुत अच्छा कमबैक, बहुत अच्छा लगा। किकरा से नंबर लेवे चाहो मालनी में, मालनी जी मैं बहुत भावुक हूँ और दिल से कोई गाना आत्मा से मुझे जोड़ दे और वहां जहां कोई आशा ना हो तो तुम्हें तो कुछ और सोचना ही नहीं चाहिए, झोली में 20 20 20। वाह थैंक यू मैम। और शायद ही पहली बार 20, पहली बार निरल बार। वाह कल्पना जी के नंबर छिपल बाटे, जय होता जय। टॉप थ्री के रेस हो रहा बा और तेज, हर रोज एक एलिमिनेशन के तूफान बन के तीनों सेना से हो रहा बाटे एक एक योद्धा कम। बहुत बड़े इम्तिहान चलता, सुर के बादल गरज रहा बाटे त सुर बरस भी रहा बा। अभी तक हो चुकल बा 5 गो परफॉर्मेंस, बाकी बाटे सिर्फ 2 गो दमदार परफॉर्मेंस ग्रैंड फिनाली की ओर के टॉप 6 योद्धा बढ़ाइयन अपन मजबूत कदम। और कौन से सेना के योद्धा के निकल जाए आज रात के सुर के दम, यूपी से बिहार से या झारखंड से। वाह वाह खबर मिलल बा कि तीनों राज्य के कई माई एजा बैठल योद्धा लोगन के अपन बेटवा या बिटिया मान चुकल बाड़ी। बहुत अच्छा, कुल माई लोगन के प्रणाम करब कि खाली ई प्रेम बा कि लइका हमरे राज्य का बा। और उन लोगन का कहना बा कि ऐसा सबूत हर माटी के मिले। आई चलल जाओ यूपी के सरदार के पास, मोहन बाबू केकरा के उतर बा गोरखपुर, बाबा गोरखनाथ के नगरी से हमारे अंशु भाई बाने उनके के भैया बुलाओ। जोरदार ताली के साथ स्वागत करें गोरखपुर बाबा गोरखनाथ के धाम से जितेंद्र सिंह उर्फ अंशु के। लाइके गवनवा सैया जनी जा विदेश हमारा, लाइके गवनवा राजा जनी जा कवनवा
पहला भैया का कह रहा अंशु बाबू को, बहुत अच्छा आपने गाया, इतनी अच्छी वॉइस है, देखने में इतना खूबसूरत है आप, और आपने गाना चुना महिला का, तो वो सब जो आपने अपने तरीके से सबके साथ जो न्याय किया है बहुत अच्छा, मुझे बहुत मजा आया। मजा आ गया आलोक बाबू, जब से तू एंट्री कैला है सुसुर संग्राम के मंच पर, आज हमरा के पहली बार ऐसा लगल है कि तू आज कन्फ्यूज रह गावे में, हमरा के प्रश्न लेसन लागल आ सुर से भी गेला तीन चार जगह। आपको बहुत सुन चुके हैं अंशु, अंशु जो नजर आते हैं एकदम जलवा बिखेर देते हैं, आते ही एक समा बांध देते हैं, वो अंशु नजर नहीं आ रहे हैं, साधारण प्रस्तुति, सॉरी। तू इतना खराब ना गईला हो जितना खराब ही लोग बोलना। इसलिए बोला ना कि अंशु जब भी आते हैं तो दहार के गाते हैं। अंशु को हम लोग ऐसा सुन चुके हैं कि अब पिछले वाले परफॉर्मेंस को अगर लिया जाए तो उस तुलना में ये सॉन्ग इसने नहीं अच्छा गाया, ऐसा मैं बोलना नहीं चाहती हूँ पर बोलना पड़ रहा है। अगर ये गाना के आंख बंद करके सुनती जा तो कहीं कहीं कुछ कमी लागत हमके जहाँ तक उम्मीद बटे, और पहला लाइन उठौला तू तो शब्दकार है, तो हरे करनवा छोड़ली बाबूजी के देश, छोड़ली रहे ना जी, तो हमके छोड़ली में ना तनकी शब्द तू क्लियर मतलब ना बोलत रहला, वही में तनकी हमके कन्फ्यूज रहे, और म्यूजिक के बाद अंतरा जोन पकड़ ला वही में तनकी डल वाला आई हमरा हिसाब से, और तू बढ़िया से गौला हो। कल्पना जी, अंशु आज थोड़ा सा थक गया है ना, थोड़ा थकान है, नहीं है, नहीं बोलने में भी थक रहे हो, मुझे वो थकान दिखा और भाव में गाया, भावपूर्ण था, सुर की बात तो मैं बहुत नहीं करूंगी अभी, एक एक एपिसोड बहुत इम्पोर्टेंट है, एक एक गीत इम्पोर्टेंट है, देखते हैं आगे क्या होता है। आज अंशु वास्तव में गाने में बहुत थकन थी, और कभी कभी ये मानसिक दबाव की थकन होती है जो आवाज़ में भी उतर आती है, बहुत मन से महसूस करके गाया, एक इनकम्प्लीट सा प्रस्तुति। नंबर की ग्रह से लेवा कल्पना जी, आज के लिए 17 17 भिटाइल कल्पना जी से, मालिनी जी का नंबर छिपल गलबा जा महादेव हो चुकल भाई, नाम के ऐलान, तीनों राज्य में से कौन से राज्य में जाई ई सुंदर से परी, केकर पगड़ी के मान बढ़ाई ई परी हो। हाँ भैया सोचा जा, एलिमिनेशन के दौर चालू बा, विदाई हो चुकल बा 6 गो परफॉर्मेंस पूरा, बाकी बा बस आखिरी परफॉर्मेंस, कौन 6 गो योद्धा के एलिमिनेशन के कष्ट हुई नष्ट, और केकर ग्रैंड फिनाले में हो जाई सपना आज हमेशा खातिर नष्ट, अब बचल बा मात्र आखिरी योद्धा, ओकरे बाद मिल जइहन टॉप 6 गो योद्धा, जे बढ़िहन टॉप 3 के रेस में बढ़ जइहन भैया आगे। आई चल जाओ बिहार के सरदार के पास, आलोक बाबू केकरा के भेजबा, अब तो आखिरी योद्धा बा भैया, आई हम ओ योद्धा के भेज रहलवानी, बिहार के भोजपुरिया नौजवान डेवलपमेंट तिवारी, विकास तिवारी बक्सर से स्वागत। अरे भेजल करी हा पतिया घरवा, अरे बटे ना हिरतिया, ये हो कनकतिया बालम, भेजल करी हा Yeah, I'm
आलम पहचानी मानी जई तो कटिया पर पल कटिया बाबा पहचानी मानी जई तो कटिया आहो पल कटिया आलम भेजल करी हम पत्तिया सदावा भेजल करी हम पत्तिया सदावा लागे नहीं रतिया आहो पल कटिया आलम कि ये हो पल कटिया आलम वाह बहुत अच्छा तीनों सरदार लोग एजा बाड़न छैला भैया और एजा बाड़न छैला भैया का कहे चल। मुझे ऐसा लगता बोलने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि अपने आप को बिल्कुल नहीं रोक पाए और घुस गए, इसलिए मुझे लगता है इसके बाद बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत मजा आया, धन्यवाद। मान लीजिए विकास, मन तो बस ये कर रहा था कि इस तरह का गाना बस चलता रहे चलता रहे चलता रहे, हम लोग बैठ कर खाली ऐसे सुनते रहे सुनते रहे, आनंद में पूरी तरह से डूबे हुए थे। बहुत सुंदर गाया, एकदम भाव में। बहुत उम्मीद है तुमसे, बिहार को गर्व होगा। विकास के बारे में क्या बोलूं, विकास सबसे ज्यादा अच्छा, अब तक का जो भी परफॉर्मेंस रहा आपका, मुझे ये सबसे ज्यादा अच्छा लगा, सबसे ज्यादा अच्छा, मजा आ गई। केकरा से नंबर लेवे चाहूंगा? मालनी दीदी। मालनी जी 19 19 मालनी जी से भेटाइल बा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप सब लोग कृपया अपने अपने सिंहासन पर जाएंगे, जय हो, धन्यवाद। छोड़ा भैया सब लोगों के धन्यवाद। आज सब लोगन का गीत हो गई समाप्त, अब न्यायमंडल की ओर चल जाओ। न्यायमंडल स्कोर शीट लेवे जाता नहीं हम। न्यायमंडल के हाथ से हमारे पास स्कोर शीट आ गई बाटे। आज के एपिसोड के ऊपर जो बन गई बा, आज के एपिसोड के सबसे यादगार पल, आज मोमेंट ऑफ द डे आपके समक्ष बाटे। गर्दन पर रखल छुरी बाटे, एक मुलाकात जरूरी बाटे। सुर संग्राम 3 के सबसे शॉकिंग रिजल्ट, सबसे शॉकिंग, सबसे बड़का शॉकिंग रिजल्ट। शुरुआत करब दीपक से। दीपक बाबू, जो नंबर आपके मालूम रहे मालनी जी के रहे वो बाटे 20, जो नंबर आपके ना छिपाइल गेल रहे वो रहे कल्पना जी का, मालनी जी से 20, कल्पना जी से भी 20, 40 लिंक पेन फुल मार्क्स आपके मिला था, मुबारक हो। वीरेंद्र भारती, कल्पना जी से आपके नंबर भेटाइल रहे 20, मालनी जी का नंबर छिपल रहे आपसे, मालनी जी से भी आपके मिलल 20 फुल मार्क्स आपके भेटाता। विकास, मालनी जी से मिलल आपके 19, कल्पना जी का नंबर जो छिपल रहे वो बाटे 20, 39 नंबर सेफ बाड़ा। दीपक सेफ बाड़न, वीरेंद्र भारती सेफ हो गईलन, विकास सेफ हो गईलन। चंदन तिवारी, मालनी जी का नंबर आपके भेटाइल रहे ऊ रहे 20, कल्पना जी से मिलल आपके 19, सेफ बाड़ू 39 पाके। शालिनी, सौम्या, जितेंद्र, सुर संग्राम तृतीय के सबसे शॉकिंग रिजल्ट, ऐसे बड़का झटका हमके कबो ना मिले रहे। शालिनी,
कल्पना जी से भेट आयल रहे 18 नंबर, ठीक। मालनी जी से मिला लाभ के 18, कुल हो गल 36 सेफ बाड़ू तू। अब बच गेलन दू गो योद्धा। हम शॉक थे आज, अद्भुत सिंगर, शास्त्रीय संगीत सीखल वाड़न, जिला टॉप का विनर अंशु, ऐसा धाकड़ एंट्री रहे इनकर, गायकी के साथ ऐसा प्रस्तुति रहे, वाइल्ड कार्ड में आइलन पूरा मन छिल गए रहे। सौम्या मिश्रा बिहार के नातिन के रूप में पूरे देश इनके जाने लगल और अद्भुत प्रस्तुति रहे हमेशा। हम शॉक थे कि आज ही दो लोग हमरे बगल में खड़ा बड़ा। सौम्या के भेटाइल कल्पना जी से जो नंबर वो रहे 18, मालनी जी का नंबर छिपल रहे, जितेंद्र के जो नंबर भेटाइल कल्पना जी से वो रहे 17, मालनी जी का नंबर छिपल रहे। सौम्या के मालनी जी देनी 18 और जितेंद्र के 17, कुल 34 जितेंद्र का आज विदाई होता ई मन से, और आई एम क्वाइट शॉक। हम ना सोच ले रहनी कि लड़का चल जाए, इतना बढ़िया गायक चल जाए, एगो शो का बड़ा विजेता चल जाइए जासे। जब आप एकदम मीटर पे आपने जो पहला टेक लिया, मैंने ऐसे बैठ करके देखा और मेरा पूरा पीछे पीठ से लेकर पूरा रोआ 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 सिहर गया। चाहब की न्यायमंडल कृपया मंच पे आई। स्कोर शीट के हिसाब से जॉन योद्धा के विदाई हो रहा बा, उनका नाम बाटे जितेंद्र सिंह और फंशु, इनके मिल रहा बाटे को विशेष उपहार। खत्म हो गई बा आज के घमासान ग्रैंड फिनाले के, इतना करीब आके यूपी के जितेंद्र सिंह अंशु का सपना टूट गई, बहुत तकलीफ होता तो टॉप 6 को योद्धा टॉप 3 के रेस में आगे बढ़ गए बाड़न। कल भी रही इजारी जंग, कल टॉप 3 में पहुंचे के इस संग्राम के मिली एगो नया आयाम, भीषण संग्राम, बेहतरीन गायकी और बेहिसाब संघर्ष, भोजपुरिया जहान अगला टॉप 3 के खोजे के अभियान के जबरदस्त संग्राम में फिर एक बार हुई मुलाकात। तब तक के लिए दी हमनी के इजाजत ई वादा के साथ की वापस जरूर मिलब हर शुक्रवार हर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ इस शो में, जेकर नाम बाटे सुर संग्राम तृतीय। छैला बिहारी जी के धन्यवाद देव हम, और ई लड़का के बहुत मिस कर, बहुत याद आई बाबू, बहुत बड़ा शौक दिला कुछ कहा बा चाहब की जरूर कहा, तहर बहुत बड़का फैन फॉलोइंग भी है और तू बहुत बढ़िया गायक बड़ा कहा बाबू, बहुत याद आई। अंशु की मैं खुद बहुत बड़ी फैन हूँ और मैंने कम से कम इतनी जल्दी इनकी विदाई, हम लोगों के लिए भी शॉकिंग है और हम लोगों को सिर्फ आज की गाने पर ही नंबर देने थे, लेकिन तुम ये दिल से आशीर्वाद है, बहुत बड़े कलाकार बहुत बड़े स्टार बनोगे और अब ये कार्यक्रम मंच के उस पड़ाव पर है कि जो जाएगा वो अच्छा ही कोई ना कोई जाएगा। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मैंने बहुत कलाकारों को अपने एल्बम में चांस दिया है, आज पहली बार सुर संग्राम के मंच पे मैं आया हूँ और इनको मैं सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी फिल्म आ रही प्यार के बुखार, मेरे लिए आप गाएंगे, मुझे बहुत खुशी होगी आपको गवा। ठीक बाटे, अपन ख्याल रखें भोजपुरिया जहान, जय हिंद जय गंगा मैया, शुभ रात्रि। प्यार जब
है, जो सब कुछ जो अच्छा लगता है वो सब कुछ मुझे महसूस हुआ। ट्रेजिक नोट मैंने मिस किया सोमिया, टुडे आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अरे प्रभु ये काने में ललका फूल का खिलावा प्रभु, ये कौन लीला बाटे आपका प्रभु? पाखी इंगड़े खाते। तू भाई सुर संग्राम में हारवा के जीतवा कोनो मतलब नहीं के हमरा, लेकिन हमरा तरफ से तू विजेता बना।